शांति। मुरली का तारीख है 17/12/2019। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म होता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे या तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया में कितना अंतर है। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहां दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं। जहां पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। वहां कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। या तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित चीची दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए कलास हो जाता है। पांच विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाए। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा को ही कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था, बाप कहते हैं यहाँ सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना पालना विनाश। नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना। यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। या तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर सुबह को याद करो।
खुद भी सवेरे उठते वहां कहते हैं अल्लाह वहां खुदा को याद करो, तुम कहते हो बाप को याद करो, बाबा अक्षर कितना मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते वहां फिर अल्लाह मियां कहते हैं, मियां बीबी, यहाँ सभी अक्षर भारत में है। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉडफादर कहते हैं, भारत में तो पत्थर बित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं, शिवलिंग भी पत्थर का होता है समझते हैं, इस पत्थर में भगवान बैठा है, भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं, पत्थर कहाँ से आता है, पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती, पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चा आदि की बात नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं, चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी, जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं, चैतन्य है तो पूज्य है फिर पुजारी बन जाते हैं, वहां ना कोई पुजारी होते ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं, जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी, फिर से वही रिपीट होती है। आगे या ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे, अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबर वार है। तुम्हारी रुद्र माला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है, एक है रुद्र माला, दूसरी है रुंड माला, एक है ब्रदर्स की दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। या तो बुद्धि में आता है, हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक है, गायन भी है ब्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसाल है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है, वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती रहती है, इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। या शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, या ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है, पतित होने कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है, बाप सुल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है, सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पार्ट बजाती है वह अविनाशी है, उसको जलाया नहीं जाता, उसकी तो पूजा होती है, शरीर को जलाया जाता है, आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, आत्मा बिगड़ शरीर दो चार दिन भी
नहीं रख सकते, कोई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते, परंतु फायदा क्या? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उसका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं है, सिर्फ उसके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का बाड़ा मिल जाता है, निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो देर के देर वहां जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए फिर भी इतना देर नहीं होते, देर होने की जगह भी नहीं, जब देर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है, यहाँ भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, जाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रदान बन जाता है, तब यह जाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा जाड़ है, पहले वहां आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे, पात्रदारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, केल ही बिगड़ जाए, या केल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है, या तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती, हाँ कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, तुम बच्चों से कोई पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, बोलो वहां तो पांच विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहां विकार की बात नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है, कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी है, सुनाएंगे नहीं तो सौ गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए, बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे, जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है, कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे, इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब है, विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर्स है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चों काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुनाता तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी, अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे, अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की बात होती नहीं, खुद पर भी दया कृपा व आशीर्वाद ही करनी है, खुद पर ही दया कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं, कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते,
कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते, बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते, फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर कड़े हो जाते। इसीलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने। कोई कुछ चीची बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान सुख दुख हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते, तो वहां क्या पद पाएंगे। बाप कहते जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। सेकेंड पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी बवा। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वहां भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ या भी बंधन है। इस बंधन से वहां रायल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवादारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति।